exercise 3.3 question number 1. For a from the two regression equation, find R, X bar and Y. तो अपने को वहां पर दो इक्वेशन दी हुई है, 4y is equals to 9x plus 15 और दूसरी इक्वेशन दी है 25x is equals to 4y plus 17. अब देखो आप इसमें से किसी एक को y और x मान लो और किसी को x और y मान लो. अब हम लोग अस्यूम करके सॉल्व करते हैं, किसी एक को y और x मानेंगे, किसी एक को x और y. तो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कभी कभी अपना अजम्पशन क्या हो जाए रॉन्ग भी हो. सवाल ये होता है कि हम लोग कैसे पता चलता. देखो जब आप y और x बनाओगे तो आपको bx मिल जाएगा, आप जब x और y बनाओगे तो आपको bxy मिल जाएगा. और हम लोग को पता है कि bx है और bxy है, तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, r. उसे क्या निकाल सकते हैं, और ऑलवेज रिमेंबर r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी. अगर -1 से छोटी हो गई तो आंसर रॉन्ग, और 1 से छोटा 1 से बड़ा हो गया तो आंसर मतलब अपना अजम्पशन क्या है गलत. फिर हम लोग क्या करेंगे चेंज, समझा. तो पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहां पर फ्रेम ऑफ रिप्रेजेंटेशन में y on x, इसको अज्यूम करते हैं कि ये y on x और इसको अज्यूम करते हैं कि ये x on y. कंसीडर 4y is equals to 9x plus 15 as y on x. तो y on x का फॉर्मूला क्या था, y is equals to a plus bx, याद है ना. तो यहाँ पर y को x साइड रखते हैं, 4 को नीचे ले आते हैं, तो 9 by 4x plus 15 by, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, a पहले चाहिए ना, तो 15 by 4 plus 9 by 4x. कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, y is equals to a plus bx, अरे याद आया. Now, ये b is nothing but what, byx. ये b अपना क्या बोलो, b बोलो या byx, ये किसके बराबर आया, 9 by 4, उसको b dash बोलते थे दूसरे वाले को, bxy को क्या बोलते थे, b dash. तो ये एक वैल्यू मिली. अब हम लोग ये वाले को कंसीडर करते हैं x और y, और वहां से क्या निकाल लेते हैं, कंसीडर 25x is equals to 4y plus 17 as x on y. 25 को नीचे लाना पड़ेगा, तो x कितना हो जाएगा, 4 upon 25y plus 17 upon 25, दोनों के नीचे आएगा, रीअरेंज कर देते हैं, 17 by 25 plus 4 by 25 y. सही बात है, कंपेयर करेंगे x is equal to a dash plus b dash y से, तो b dash which is nothing but bxy वो किसके बराबर होगा, 4 by 25, ये सफिक्स पे लिखना छोटे में, ठीक है, मिल गया bxy मिल गया और by x मिल गया. नाउ व्हाट इज द फार्मूला ऑफ r बच्चों, सर प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ bxy * by, ये है ना, चेक करते हैं भैया क्या आएगा. अच्छा ये दोनों तो प्लस पे, तो r किस पे रहेगा, प्लस. याद है ना लास्ट में हमने डिस्कस किया दिस bxy कितना है बच्चों, 4 upon 25 और byx कितना है, 9 upon 4, 4 से 4 प्लस का क्या बचेगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 25 5 5 5 6 0.6 आ रहा है. हां मेरा अजम्पशन क्या था, राइट. मेरा अजम्पशन क्या है, अगर वो 1 से बड़ा हो जाता तो मेरा अजम्पशन, तो मैं फिर इसको क्या मानता, y on x और इसको क्या मानता, समझे, और कुछ भी नहीं. ये मिल गया अपने को, दो चीज पूछा था, पहला पूछा था आर और बोला था कि रिग्रेशन इक्वेशन बनाना है y on x वाली और x on y वाली, वो भी बना दी हम लोगों ने. एक चीज और पूछा x bar and y bar, है ना. अब देखो x bar भी निकालना है, यहाँ लिख देते क्या निकालना है, तो x bar भी निकालना है और y bar, तो कुछ नहीं कर लेगा, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व. ये इक्वेशन जो है बच्चों हर चीज के लिए ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि भैया वो अगर इंडिविजुअल वैल्यूज के लिए तो वो बार x बार और y बार के लिए भी वही रहेगी. तो आप सिंपली इसको साइमल्टेनियसली क्या करो, सॉल्व करो, साइमल्टेनियसली क्या करो, सॉल्व करो, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x बार और y बार. इधर देखो भैया मैं एक काम करो,
तब वो बनाते ना हम लोग कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाते तो वैसा बना के उसको छोड़ रहा हूँ, प्लस फोर वाई इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा माइनस फोर वाई, और प्लस 15 उधर जाएगा तो समझा क्या कर रहा हूँ, ऐसी वहां पर 25x तो है माइनस इसी को सेम, दोनों का साइन सेम है तो लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, 9x माइनस 25x कितना आ जाएगा चलो माइनस 16, माइनस फोर वाई माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, माइनस 15 माइनस 17 कितना आ जाएगा चलो माइनस 17, माइनस से माइनस 16 वनजा 16 तो ये मिल गया अपने को x बार, चाहिए तो ये इक्वेशन किसकी फॉर्म में लिखो बार की, ठीक है x बार मिल गया इसमें उठा के रख तो y बार मिल जाएगा, कितना x बार 2 9 * 2 माइनस 4 y बार इज इक्वल टू माइनस 9 2 = 18 माइनस 15 इधर आया तो प्लस 15 माइनस 4 y इधर आया तो प्लस कितना आ जाएगा 3/4 is equals to y bar. सारी चीज मिली? इजी है? Yes. पूरी एक्सरसाइज में यही है, हर बार यही, हर सब में यही है, चेक करो। सेकंड वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पार्शियली डिस्ट्रॉयड लेबोरेटरी रिकॉर्ड ऑफ एनालिसिस ऑफ रिग्रेशन डेटा, द फॉलोइंग डेटा आर लेजिबल, वेरिएंस ऑफ x दिया है, मतलब सिग्मा स्क्वायर x दिया है, कितना दिया है 9, तो सिग्मा x कितना हो जाएगा 3, फिर क्या हो रहा है रिग्रेशन इक्वेशन, दो इक्वेशन दे दिया तो सर एक को y और x मानेंगे एक को x और y, पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मीन वैल्यूज ऑफ x एंड y, मीन बोले तो x बार एंड y बार, तो सर साइमल्टेनियसली सॉल्व करके किसको निकाल सकते हैं x बार एंड y, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, मतलब स्मॉल r dyx और bxy निकालोगे तो क्या निकल जाएगा r निकल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y पूछा आपके पास, सिग्मा पीछे दिया था क्या दिया था सिग्मा x दिया है आपके पास, bx और byxy भी मिल गया r भी मिल गया, bx का फार्मूला याद करो r * सिग्मा y / सिग्मा x पढ़े लास्ट टाइम लिखाया था ना क्या bx बोलो उसका एक फार्मूला पढ़े थे bx = r * सिग्मा y / सिग्मा x या bxy = r * सिग्मा x / सिग्मा y, अबे ये वाला बताया था लिखाया था मैंने लास्ट है ना, अपने पास सिग्मा x है हम लोग bx कोई भी उससे निकालेंगे r की वैल्यू भी निकालेंगे बचा क्या से सिग्मा निकाल लेंगे ना सब कुछ निकाल लिए चिंदी। नेक्स्ट देख क्या बोल रहा है, फॉर 50 स्टूडेंट ऑफ द क्लास द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ मार्क्स इन द स्टैटिस्टिक्स x ऑन द मार्क्स इन द अकाउंटेंसी ऑफ y, उसने बोल दिया कि ये कौन सी इक्वेशन है x ऑन y है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसको किस में बनाएंगे x ऑन y में, वहां से आपको मिल जाएगा bxy, क्या मिलेगा बच्चों वहां से, फिर क्या बोल रहा था मीन मार्क्स इन द अकाउंट्स, अकाउंट्स क्या अपने y है ना मतलब y बार आपको दे दिया, एंड द वेरिएंस ऑफ द मार्क्स इन द स्टैटिस्टिक्स इज 9/16 ऑफ द वेरिएंस ऑफ द मार्क्स इन अकाउंट, देखो स्टैटिस्टिक्स क्या बच रहे हो अपने लिए x है ना, तो वो बोल रहा है कि सिग्मा स्क्वायर x इज इक्वल टू 9/16 टाइम्स सिग्मा स्क्वायर y, देखो ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, द मीन मार्क कहा गया वेरिएंस ऑफ द मार्क्स इन द स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स मतलब x ना, वेरिएंस का मतलब क्या होता है सिग्मा स्क्वायर x, सिग्मा स्क्वायर x, ये बोल रहा है कि 9/16 टाइम इसके y, यही बोला है ना उसने स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स जो वेरिएंस आएगा स्टैंडर्ड वेरिएंस आएगा वो 9/16 से किसके अकाउंट्स टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द सिग्मा x 9 का रूट 3 16 का रूट 4 सिग्मा y हो गया, एक कंडीशन मिल गई अपने को बेसिकली, अब क्या हो रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द मीन मार्क्स इन द स्टैटिस्टिक्स, मतलब आपको क्या निकालना है x बार निकालना है और दूसरा जाहिर सी बात है y बार दिया हुआ है इक्वेशन में पुट करना क्या मिल जाएगा x बार निकालना है पहला पहली क्वेश्चन पे मिल गया वहां से, अच्छा x और y बनाएंगे तो bxy मिल जाएगा, bxy का फार्मूला आपने पढ़ेंगे r * सिग्मा x / सिग्मा y, आपके पास सिग्मा x सिग्मा y के नीचे ले लो तो सिग्मा x / सिग्मा y की वैल्यू है, आपके पास bxy है क्या मिल जाएगा r, अरे समझा कि नहीं, तो उसने r भी पूछा देखो एंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन मार्क्स इन टू सब्जेक्ट्स, ट्राई करोगे अच्छा ये लिख लो मैं ट्राई करता हूं, सब बता दिया फिर भी हूं ठीक
ठीक है, 33/4 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसके बाद लास्ट के बाद क्वेश्चन लेते हैं, टाइम सीरीज का चलते हैं। देखो यहां सब नंबर थर्ड डिस्कस कर रहे थे, देखो क्या हो रहा है। चलो for any 40-50 student of the class the regression equation of the marks in the statistics jisko usne x liya hai yaad rakhne ke liye yahan likh leta hu statistics ko kya liya usne x liya hai aur accounts ko kya le liya usne y liya hai theek hai to regression equation of x on y liya hai 3y minus 5x plus 150 plus 180 equals to 0 abhi equation x on y hai तो आपको x को एक जगह रखना बाकी सबको एक जगह तो माइनस फाइव एक्स को उठा के इधर ले लेते तो 5x किसके बराबर हो जाएगा 180 प्लस 3 5 को भी नीचे फेंक दो तो 180 बाय 5 प्लस 3 बाय 5 y सही है ना। कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म x इज इक्वल्स टू a डैश प्लस b डैश y तो b डैश की वैल्यू कितनी हो गई 3 बाय b डैश बोले तो b x y ना याद रखना। आगे क्या हो रहा है ब्रदर मीन मार्क्स इन द अकाउंट्स इज 44 मीन मार्क्स अकाउंट्स के लिए क्या है वाई है ना वाई बार कितना दे दिया आप देखो 44 एंड द वेरिएंस ऑफ द मार्क्स इन द स्टैटिस्टिक्स वेरिएंस बोल रहा है मतलब सिग्मा स्क्वायर एक्स बोल रहा है कि 9/16 है किसके वेरिएंस ऑफ द मार्क्स इन अकाउंट्स टेकिंग स्क्वायर रूट तो सिग्मा एक्स किसके बराबर है सिग्मा सही ना। चलो ये कंडीशन दी हुई है आगे क्या बोल रहा है हम लोग को बोल रहा है कि भैया फाइंड द मीन मार्क्स इन द स्टैटिस्टिक्स मतलब आपको निकालना है एक्स बार क्या निकालना है अपने को एक्स बार एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट तो अपने पास एक्स ऑन वाई तो बन ही गया है ये वाली इक्वेशन इसमें वाई की वैल्यू रख दो वाई बार की वैल्यू रख दो आपको क्या मिल जाएगा एक्स बार तो एक्स बार कितना होगा 180 बाय 5 प्लस 3 बाय 5 वाई बार कितना बचेगा 44 है जो भी मिलेगा वो आपको मिल गया एक्स बार। अब अपने को क्या पूछना है आर भी चाहिए अपने पास बी एक्स वाई है ना बच्चे लोग तो देखो बी एक्स वाई का ये वाला फॉर्मूला लगाओ BXY कितना होगा R सिग्मा X अपॉन सिग्मा Y मुझे R चाहिए सिग्मा X कितना दिया है सिग्मा Y को अगर नीचे ले लूं तो सिग्मा X अपॉन सिग्मा Y कितना आ जाएगा 3 बाय 4 BXY की वैल्यू कितनी आई थी 3 बाय 5 3 से 3 4 ऊपर चले जाएगा तो 0.8 40 होगा ना तो R की वैल्यू कितनी हो गई 0.8 हो गया दैट्स इट इजी सिग्मा एक्स बताओ क्या सिग्मा एक्स अपॉन वाई फिर सिग्मा एक्स को कहां है यहां से वैल्यू निकाल ना सिग्मा वाई को नीचे फेंक दे सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई कितना आएगा 3/4 इंक्लिक है ना। टू रिग्रेशन लाइन फॉर अ बाइवेरिएट डेटा आर 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 15 बोल रहा है कि ये x ऑन y है ठीक है आगे मेंशन भी किया है ना x और y और दूसरी इक्वेशन क्या दिया है 4y is equal to 3x plus 25 और ये y on x है ये x on y है ये y on x सिंपलीफाई कर लेते हैं रीअरेंज करके लिखता हूँ 15 ये x है ना 15 upon 2 plus 1 upon 2 y हो जाएगा ऐसे y is equal to 25 upon 4 plus 3 by 4 x हो जाएगा सही ना भाई कंपेयर करेंगे ये x और y है तो ये जो हाफ है बच्चे लोग ये कितना होगा b x y होगा b डैश बोलो या b बोलो b x y बोलो कितना है वो 1/2 ऐसी b y x कितना अपना 3/4 अच्छा आगे क्या पूछ रहे हैं बोल रहे हैं कि x बार निकालो वही बात हो गई पुरानी वाली x बार फिर क्या बोल रहा है y बार फिर बोल रहा है कि बी एक्स वाई वो भी निकाल के रखे और चौथा तीसरा चौथा क्या बचा सेम हो गया पुराना गेम है
हम लोग को क्या पूछा है, और कुछ है क्या? वो गिवन दिया है कि स्क्वायर रूट ऑफ जीरो, शायद वो रूट के फॉर्म में आएगा आर, इसके लिए ऐसा दे रहा है। कितना दिया? 0.66। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहले एक्स बार और वाई बार निकाल लेते हैं, तो ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर, या नहीं प्लस वाई को उठा के धर लिया, 2x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, प्लस 4y धर लो, 25 धर लो, 3x माइनस 4y फिर क्या हो जाएगा, माइनस 20, सही है ना? ये y है और ये 4 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, बस साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो 8 है, सॉरी हां 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 2 = 8x माइनस 4y, 15 4 = 16, 3x माइनस 4y 25, ये आ गया, मल्टीप्लाई किए माइनस कर देगा दोनों, 8x माइनस 3x माइनस 4y माइनस माइनस प्लस 4y कैंसिल, 16 माइनस माइनस प्लस 85 ना, अब ये 5 नीचे ले आओ, अच्छा ये बार के लिए तो बार लगा दो यहां पर, x बार कितना हो गया, चलो 85 अपॉन 5 1 जा 3 बचेगा 57, x बार के लिए मिल गया 70, एक बार मिल गया इसमें रख देते y बार मिल जाएगा 2 70 माइनस y बार इज इक्वल्स टू 15, तो 34 माइनस y बार इज इक्वल्स टू 15 प्लस 15 इधर आया माइनस 15 कितना आएगा, चलो 19 इज इक्वल्स टू y मिल गया, y बार यस सर, bxy तो पहले ही निकाल दिए थे हम लोगों ने, यस, और क्या पूछा है, r पूछा है, तो सर दोनों प्लस में है ना, हां r भी प्लस प्लस में आ रहा है, bxy into by bxy कितना है 1 by 2 और ये कितना है 3 by 4 3 1 जा 3 4 2 जा 8 वही काटा फूटी कर दे 0.30 हो जाएगा है ना, 8 3 जा 24 6 बचेगा, फिर 7 8 जा 56, फिर 4 बचेगा 5 एंड 0.375 की वैल्यू दिया हुआ है, कितनी 0.375, इजी है ना बच्चों, यस, एक लास्ट सम और ले लेते हैं, सम नंबर 14 देखो, बोला टू रिग्रेशन लाइंस बिटवीन हाइट x एंड इंचेस एंड वेट y इन केजीज ऑफ द गर्ल्स आर, अपने को दो इक्वेशन दिए हैं, पता नहीं कौन सी कौन क्या है, बोला फाइंड द मीन हाइट एंड द वेट, मतलब x बार निकालो y बार निकालो, also estimate the weight of the girl whose height is 70 inch, height क्या है तेरी, x है, तो बोल रहे कि भैया y निकालो अगर x कितना है 70, तो y वन x बनाएंगे तभी तो x y निकाल पाएंगे, तो equation तो दी हुई है but check करना पड़ेगा अपने, वो वैसे भी नहीं r नहीं होता है, पहला चलो निकाल लें, equation क्या दी 4y minus 15x प्लस 500 सॉरी प्लस 500 इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन क्या है 20x माइनस 900 मान लीजिए इसको x और y कंसीडर करें, कंसीडर 4y माइनस 15x प्लस 500 इक्वल्स टू 0 एज y ऑन x, तो 4y दोनों को उठा के इधर ले आओ, प्लस 500 इधर आया तो माइनस 500 माइनस 15 इधर आया तो प्लस, इसको नीचे ले आओ तो y की वैल्यू कितनी माइनस 500 अपॉन 4 प्लस 15 कंपेयर करेंगे तो bx की वैल्यू कितनी आएगी 15, सही है ना, चाहिए तो लिख लेने का by comparing y is equals to a plus bx, bx by x है y और x बनाया, सो ये x है, ठीक है, नेक्स्ट ये वाली इक्वेशन को मान लेते हैं x और y, कंसीडर 20x माइनस 3y माइनस 900 इक्वल्स टू 0 एज x और y, क्या हो जाएगा 20x माइनस 900 आया प्लस 900 माइनस 3y का प्लस 20 के नीचे देखो, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 900 अपॉन 20 प्लस 3 अपॉन 20, तो b x y की वैल्यू कितनी हो गई 3y, पहली चीज क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है तो चेक करना पड़ेगा अपना अजम्पशन राइट है या रॉन्ग है, तो आर तो निकालना ही पड़ेगा, आर की वैल्यू कितनी होगी दोनों प्लस में है ना, तो बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, क्या है बी एक्स वाई 3 बाई 20 है और 15 बाई 4,
तो पाई थ्री जा पाई फोर, थ्री थ्री जा नाइन, बाहर आया तो थ्री और ये फोर, करेक्ट है ना। वन से छोटा है, माइनस वन से बड़ा है, इतने पे रेट ये मिल गया अपने को आर। उसने क्या बोला था अपने को भैया, एस्टिमेट फाइंड द मीन हाइट इन द मीन हाइट और वेट निकालो गया साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकालो ना, ये तुम लोग की जिम्मेदारी है। हम लोग खाली क्या निकाल लेते हैं, उसने बोला एस्टिमेट द वेट ऑफ गर्ल, वेट मतलब क्या बच्चे लोग, वाई वाई निकालो कब, जब एक्स कितना है वाई ऑन एक्स बनाए जब हमने, ये ही अपनी वाई ऑन एक्स, तो y is equals to minus 500 upon 4 plus 15 by 4, ये 70, denominator same है तो इसी देते हैं, minus 500, 17 5 जा, sorry 15 7 जा, 105, आगे की 0 लगी, divided by, सही है ना भाई, कितना आ जाएगा, 550 था, divided by, काटम कूटी करना, जो भी आएगा ये हो गया अपना, समझ में आया। y क्या है, वेट है, तो आंसर किस में आएगा, kgs में दिया है ना, kgs आंसर जो भी आएगा वो kgs में दिया। x बार y बार निकालोगे 70 में सॉल्व करके निकलो, तो विद दिस द चैप्टर इज ओवर, थैंक्स फॉर वाचिंग।